आपली बस परिवहन सेवा में कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टरों की ओर से अपने न्यायोचित मांगों को लेकर संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया जा रहा है। बस हड़ताल की चेतावनी से मनपा प्रशासन हड़बड़ा गया है। इस मौके पर हजारों ड्राइवर और कंडक्टर बड़ी संख्या में मौजूद थे। आपली बस परिवहन सेवा में कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टरों की ओर से लंबे समय से न्यायोचित मांगों को लेकर मनपा प्रशासन और सत्ता पक्ष का ध्यानाकर्षित किया जा रहा है। हर समय समस्या हल करने के लिए बैठक लेकर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन तो दिया जा रहा था, लेकिन अब तक इस संदर्भ में कुछ भी नहीं होने से सभी कर्मचारियों द्वारा काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के अनुसार शुरू हुए आंदोलन और कर्मचारियों के रुख को देखते हुए हड़बड़ाए प्रशासन और परिवहन समिति की ओर से बस ऑपरेटर के साथ चर्चा की गई। परिवहन के सभापति बाला बोरकर जी हमारे साथ में इस समय में है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज कर्मचारियों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्या कर रही है मनपा प्रशासन, इनके कामकाज क्यों नहीं आ रही है और इनको मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? खासतौर पर जहाँ सैलरी की बात आती है इन्हें मिली नहीं है और इन्हें इनके ऊपर में चोरी का तबका जो लगा हुआ है, क्या कहना चाहोगे सर? चोरी बद्दल सांगितल्याबद्दल याच्या मोबाईल मध्ये व्हाट्सअप ग्रुप चालते लोक आणि काही जे लोक जे इथून निघले आहे कर्मचारी ते व्हाट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून चोऱ्या करतात आणि याच्यामध्ये काही लोक भी आपले मिळलेले कर्मचारी। पण मी आता जेव्हापासून मी समितीचा अध्यक्ष बनलो परिवहन समितीचा, मी पहिला प्रश्न हाच ठेवला, पहिली मीटिंग बोलवली अजीवाली की यांचा पगार वाढला पाहिजे, यांचे जे वेजेस आहेत ते वाढलं पाहिजे, यांना पीएफ बरोबर कटला पाहिजे, नंतर यांच्या ज्या रेग्युलर सुट्ट्या आहेत त्या सुट्ट्या भेटल्या पाहिजे। याविषयी यांचे प्रतिमंडळ मंडळ आलं होतं मला भेटायला एक महिना पहिला, त्याच्याविषयी बाबीविषयी मी विषय घेतला। नंतर जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरकडे काम करतात हे लोक, त्या कॉन्ट्रॅक्टरची मीटिंग घेतली आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून मान्य करून घेतल्या आणि मान्य करून घेतल्या पण त्यांच्या लेटर पाठवून लिहून घेतलं की ह्या ह्या मान्य आम्हाला मागण्या आहे म्हणून ह्या आम्ही लिहून घेतलं। आणि या मागण्या यांच्या सहा ज्या मुद्दे मागण्या होत्या, एक मागणी राहिली आहे पगारवाढीची ड्रायव्हरची, तर ते बी धीरे धीरे सगळ्या सहा मागण्या आल्या। आता मला 2 महिने झाले, आता 2 महिने म्हणून 6 मागण्या पूर्ण झाल्या, आता अजून एक मागणी आहे पगारवाढीची, ते बी लवकरात लवकर करायचा विचार आमच्यावाला। आणि नंतर कंडक्टरच्या विषयात जून महिन्यामध्ये आमचं टेंडर होऊन आलं नवीन वालं, त्यात मिनिमम वेजेस ऍक्ट जो नुसार आहे गव्हर्नमेंटच्या जे आहे ना 17 ते 18 हजार किंवा 16 हजार पगार निघणं याच्यावाला, तो बी आम्ही ऍक्टमेंट टाकला आहे। ते जून महिन्यात आमचं टेंडर ओपन होईल, ज्याही एजन्सीला भेटन त्या एजन्सीने यायला एवढा पहिला तेवढा पैसा देईन तो, आणि तो पैसा महानगरपालिका देणार आहे, ती कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीने महानगरपालिका देणार आहे, म्हणून हा यांना लागू होणार आहे जुनमत कंडक्टरला। आणि ड्रायव्हरच्या विषयी आम्ही घेतला आहे आणि तो 6 विषय सगळ्या ड्रायव्हरचे 6 विषय होते मंजूर झाले आहे, अजून एक विषय राहिला फक्त तो 4-5 महिने आम्ही मंजूर करू। कर्मचारियों का मानना था कि उनसे 30 दिन तो काम लिया जाता है, लेकिन वेतन केवल 26 दिनों का ही दिया जाता है। यहाँ तक कि कई कारणों से वेतन में कटौती भी की जाती है, जिसे लेकर मनपा प्रशासन, परिवहन समिति, बस सेवाएं देने वाली कंपनियां और कर्मचारियों के बीच बैठक लेकर समन्वय से मसला हल करने की मांग की गई थी, जिसे लेकर परिवहन सभापति की ओर से बस ऑपरेटर्स को मांगों पर सकारात्मक विचार कर निर्णय लेने का पत्र जारी किया गया। लंबित मांगों को पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन भी दिया गया। कर्मचारियों की ओर से श्रृंखलाबद्ध आंदोलन के बावजूद समस्या हल नहीं होने पर आमरण अनशन और इसके बाद काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। वारंवार आंदोलन करूनही प्रशासनाकडे जागा होत नाही आहे, तर त्याच्यासाठी आम्हाला वेगळी आंदोलनाची तयारी करावी लागेल, कारण की आमचा जो किमान वेतन आहे तो आमच्या हक्काचा आहे, हक्काचा न्याय आम्हाला मिळाला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही जे काही करावं लागेल आम्ही ते संपूर्ण महाराष्ट्रात करू। यदि मनपा प्रशासन आपकी मांगों को दरकिनार करती है तो अगली रणनीति क्या होगी? हम जो 26 तारीख तक के साखड़ी उपोषण का निर्णय लिया है वो 26 तारीख तक के साखड़ी उपोषण का निर्णय लेंगे। अगर 26 तारीख तक के हमारा अगर किमान वेतन का कायदा लागू नहीं किया गया तो हम 27 तारीख से उग्र आंदोलन यानी आमरण उपोषण पे भी संपूर्ण कर्मचारी यहाँ अपने परिवार के साथ में आके भी बैठेंगे। तो इस प्रकार की कृति समिति और ये तमाम जो यहाँ पे कामगार संगठन है ये आज मैदान में उतर चुके हैं संविधान चौक पे। इन्होंने खास तौर पे मनपा प्रशासन को ये बात बता दी कि यदि कामगारों के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, अगर उनको जीआर के मुताबिक पैसे नहीं मिले तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये आंदोलन किया जा रहा है और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जो लाल परी के नाम से जो बस चलती है ऐसी बस सेवाएं जगहों पर खड़ी रहती हुई दिखाई देंगी, जिससे फिर नागपुर शहर के यात्री
यात्रियों का किस कदर हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। और नागपुर शहर की ये जो लाल परी है ये दौड़ना चाहिए, अगर वो खड़ी होगी तो बड़ा नुकसान मनपा प्रशासन को होगा। देश आज़ाद हुआ ये तभी होगा जब कामगारों के साथ न्याय होगा, क्योंकि इस देश को दो ही व्यक्ति चलाते हैं, एक कामगार और दूसरा किसान। संविधान चौक से सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।